कुछ YouTube वीडियोस होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक, क्रिएटिव, और कुछ होते हैं इंटरेस्टिंग होने के लायक। वेल, बोरिंग वीडियोस बनाना ही क्यों है जब कुछ छोटी चीजों से मैसिव क्वालिटी आ सकता है। एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो देख के प्रोफेशनल लगे, इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है क्राफ्टिंग, मतलब उसको सजाना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसे सजाने से ही एक मैसिव क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है वीडियो का, चाहे तुम यूट्यूब के लिए सजा रहे हो या फिर पॉर्न। यूट्यूब की बात करें तो प्रेजेंटेशन इज द चाबी हियर, जिसका पहला ताला है ग्राफिक्स, जिस पे बहुत कुछ आता है। बट जैसे पहले बोला था कि हम छोटी चीजों की बात करेंगे, छोटा लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस लाने वाला चीज। तुम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो अपने वीडियो में, चाहे वो फोटो हो, टेक्स्ट हो, स्क्रीनशॉट्स हो, उसे नॉर्मल बोरिंग एकदम घर की बहू जैसे दिखाने से अच्छा है उस पर एक लचक दे देना ओवरलेस की मदद से। कैसे? गूगल पे सर्च करके। बहुत टाइप का, बहुत स्टाइल में ओवरलेस तुम्हें मिल जाएगा, कोई भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन अपने फील के हिसाब से, वीडियो में जिस पॉइंट पे तुम डाल रहे हो उसके हिसाब से। बट ये ज्यादा चमकीला आग वाले नहीं, थोड़ा सटल, प्रोफेशनल, लाइक दिस। कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन तुम यूज कर सकते हो, जैसे कि प्रीमियर प्रो में मैं जिसके नीचे, जिसके बैकग्राउंड में मुझे ये लाना है, उसके नीचे उसी लेंथ का मैं ये ओवरले कट करके प्लेस कर देता हूँ। अगर ओवरले तुम्हारा ब्लैक है और स्क्रीनशॉट व्हाइट है और तुम्हें मैच करने के लिए उसे भी व्हाइट करना है, तो जस्ट ओवरले लेयर्स की कर्व सेक्शन में व्हाइट पॉइंट को ब्लैक और ब्लैक पॉइंट को व्हाइट, जिससे इसका कलर उल्टा होने पे भी टेक्सचर्स एंड कॉन्ट्रास्ट इंटैक्ट रहे। और स्क्रीनशॉट अगर ब्लैक हुआ तो उसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन, और व्हाइट हुआ तो उसका ब्लेंडिंग मोड डार्केन या फिर मल्टीप्लाई कर देने से इसका व्हाइट या ब्लैक पार्ट गायब। अब देखो टेक्सचर्स का कमाल। ऐसे बहुत टाइप्स के ओवरलेज एंड बैकग्राउंड टेक्सचर्स के साथ तुम खेल सकते हो अपने फ्यूचर से भी ज्यादा। जिससे एक और छोटी चीज की याद आ गई, छोटी चीज पर बड़ा धमाका। अब ये एक ऐसा चीज है जो सच में एक अलग डिप्थ ला सकता है नॉर्मल चीजों पे, बट सही तरीके से नहीं किए तो उल्टा भी हो सकता है। अब टेक्स्ट तुम बहुत तरीकों से यूज कर सकते हो, कुछ पॉइंट समझाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, टाइटल्स के हिसाब से, कुछ स्पेसिफिक बातों का इम्पैक्ट और ज्यादा करने के लिए भी। बहुत टाइप के टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं, मैंने 2 डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, लेकिन अपने फील एंड मूड एंड पेस के हिसाब से देना वीडियो में। सेम गोज विद द कलर, टेक्स्ट का कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मल व्हाइट तो है ही एलिगेंट, लेकिन तुम जिस फुटेज को यूज कर रहे हो उसका एक कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी अपना कलर पिक कर सकते हो। आजकल बहुत जल्दी लोगों की आई अट्रैक्ट करने के लिए बोल्ड कलर्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि येलो, ब्राइट ऑरेंज, जो बहुत दूर से भी स्पॉट होता है। बंगाली बॉयज को बहुत अच्छे से पता है, ये सरस्वती पूजा पे ये देखते हैं बहुत। लेकिन साइज भी मैटर करता है, फॉन्ट का फ्लो के हिसाब से। तुम छोटा हल्का एकदम साइड पे या फिर बीच पे यूज कर सकते हो, या फिर थोबरे के सामने बड़ा अचानक यूज कर सकते हो, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। बट फॉन्ट सही से चूज करना मेरे भाई। सबसे सेफ टाइप के फॉन्ट्स होते हैं सैंस सेरिफ टाइप के फॉन्ट। सम ऑफ माय फेवरेट्स आर मॉन्टसेराट, आर्का, फ्यूचरा, सोलोमन, पॉपिंस, इस टाइप के फॉन्ट्स। थोड़ा और एलिगेंसी चाहिए तो सेरिफ टाइप के फॉन्ट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि एलिफेंट, जॉर्जिया, रॉकवेल। एलिगेंसी और थोड़ा ज्यादा चाहिए तो स्टाइलिश सेरिफ, जैसे कि ब्रांड, फिलिक्स, इस टाइप के फॉन्ट यूज कर सकते हो। और तुम्हारी एलिगेंसी अगर हद ही पार कर चुका है तो कॉमिक सेंस। बट वीडियो की फ्लो एंड इमोशंस के हिसाब से ही टेक्स्ट यूज करना, ऐसा ना हो कि तुम मोटिवेशन की बात कर रहे हो और अचानक। चिंता मत करो, तुम्हें बस थोड़ा क्रिएटिव होना है, और अगर फ्री में क्रिएटिव चीजें करना चाहते हो ना, देयर आर नो अदर प्लेटफॉर्म बेटर देन Pixlr, the partner of today's video. Pixlr is number one in photo editing or designing in your browser. चाहे तुम मोबाइल यूज कर रहे हो या फिर पीसी। डिस्क्रिप्शन के लिंक से Pixlr की वेबसाइट पे जाके देखोगे, there are 2 options, Pixlr X and Pixlr E. अगर स्टनिंग एडिटिंग तुम बहुत ही क्विक एंड ईजी करना चाहते हो तो Pixlr X, जहाँ पे बिगिनर्स के लिए है वन क्लिक आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, इजी एंड मॉडर्न लेआउट, एंटायर पेज एनिमेशन और भी बहुत कुछ। और अगर एडवांस लेवल का एडिटिंग करना चाहते हो तो Pixlr E, जहाँ पे सारे एसेंशियल टूल्स से प्रोफेशनल एडिटिंग करने के लिए, बिलीव मी, सारे, जैसे बैच फंक्शन, ब्रश प्रेशर, एनिमेशन पैनल, फिल एंड ग्रेडियंट टूल, एडवांस कलर पिकर्स, ऐसे सारे कंट्रोल्स हैं विद वे मोर फिल्टर्स एंड एडजस्टमेंट्स। कमाल का हाई क्वालिटी का टेम्पलेट्स का वैरायटी मिलेगा, जिसको तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो इन ए फ्यू क्लिक। पावर पॉइंट टेम्पलेट से लेके ब्रोशर, न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया, सबका टेम्पलेट मिल जाएगा।
और हर साइज में, चाहे वो इंस्टा स्टोरी, इंस्टा पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, बैनर, हर चीज का टेम्पलेट है। तुम बैच रीडिंग से लेके एनिमेशन, बैकग्राउंड रिमूव करना, कोलाज बनाना, ग्लिच इफेक्ट्स देना, सब कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक करके पिक्सेल आर्ट की वेबसाइट पे जाओ और फ्री में कमाल के एडिटिंग करो अपने ब्राउजर में ही। और प्रीमियम वर्जन जिसपे अनलिमिटेड स्टॉक क्लिप्स, टेम्पलेट्स, फॉन्ट्स, ओवरलेज और भी बहुत कुछ मिलेगा, वो 30 डेज के लिए फ्री है। सो गो मेक सम ऑसम आर्ट्स। और अपनी वीडियो को और ऑसम बनाने के लिए और जो चाहिए वो है कुछ और चीज जो एक साथ बोलूंगा। एक फ्रेम से दूसरा फ्रेम जा रहे हो, ट्रांजिशंस पता है सबको, लेकिन उसे भी बहुत क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। मे बी तुम्हारा एक्स्ट्रॉर्डिनरी टॉकिंग फ्लुएंसी की वजह से कुछ ज्यादा ही कट्स आ गया एडिट पे। कुछ कट्स को तुम टेक्स्ट से और कुछ कट्स को ऐसा ग्लिच से ढक सकते हो। बस प्रीमियर पे एक एडजस्टमेंट लेयर लेके उसको छोटा करके दोनों के बीच में ऊपर रख दो, फिर इफेक्ट से VR क्रोमैटिक एबरेशन सर्च करके उसके ऊपर ड्रैग करके डाल दो, समझे। पूरे वीडियो को छोटा छोटा सेक्शंस में डिवाइड करके उसके हिसाब से क्राफ्ट कर सकते हो ताकि लंबा ना लगे। पेसिंग पे ध्यान देना, पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से एनिमेशन स्पीड एंड म्यूजिक सिलेक्ट करना, बैकग्राउंड म्यूजिक को बोलने के टाइम जितना हो सके कम कर देना ताकि तुम जो भी विजुअल इफेक्ट्स डालोगे वो सुनाई भी दे। कैसे? साउंड इफेक्ट्स है। ट्राई करना हर एक स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स के साथ उसका एक मैचिंग SFX तुम लगा दो। इसका पूरा मजे हम बाद में लेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। बहुत अलग अलग साउंड इफेक्ट्स देके ट्राई कर सकते हो। बस क्राफ्टिंग ऐसा करो कि लोग लाइक और कमेंट करने से रोक ना पाए, और ना भी करे तो तुम्हें डायरेक्टली बोलना ना पड़े। बट ऑलवेज रिमेंबर, छोटा चीज बड़ा डिफरेंस ला सकता है, बस तरीका आना चाहिए प्रेजेंटेशन का।